सो नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड अब रिवर से क्या कंपेयर करें तो नाइल भी काउंट हो गए ना तो नाइल काउंट इसलिए बोलेंगे नाइल इज़ॉन् लॉन्गर देन एनी अदर एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड इसमें अदर लगेगा ऐसे में बोला है नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया अब नाइल को कंपेयर करें नाइल क्या इंडिया की कोई रिवर में आती है पहले वर्ल्ड की रिवर की बात करी थी तो वर्ल्ड में तो नाइल रिवर भी आती है तो सेम अगर जगह की सेम नाइल इसमें काउंट ही नहीं हो रही तो यहाँ पर अदर लगाने की जरूरत नहीं है तो नाइल इज़ लॉन्गर दैन एनी रिवर इन इंडिया तो अदर लगाने की ज़रूरत नहीं जब नाउन नाइल खुद काउंट हो उन रिवर्स में तब अदर लगाएंगे जैसे नो राइटर इन दिस वर्ल्ड इज़ एज इन दिस वर्ल्ड इज़ एज़ फेमस एज शेक्सपियर अब यहाँ पे शेक्सपियर अब राइटर शे शिक, राइटर शेक्सपियर क्या हो जाता है यहाँ पे जो राइटर होना चाहिए अदर देन शेक्सपियर होना चाहिए क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो राइटर को तो राइटर में शेक्स शेक्सपियर भी तो आ रहे, जा रहा है यहाँ पे राइटर में शेक्सपियर भी आ जाएंगे तो यहाँ पे नो no अदर लिखना चाहिए तो नो अदर राइटर इन दिस वर्ल्ड इज़ एज़ फेमस एज शेक्सपियर एंड एज फेमस एज तो यहाँ पे एज एंड एज़ के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है तो ये भी सही है एंड नो अदर राइटर होगा नो अदर राइटर क्योंकि शेक्सपियर भी काउंट हो जा रहा है राइट राइटर इन द वर्ल्ड में अगर इंडिया लिखा तो नो अदर राइटर इन इंडिया एज़ फेमस अब अब यहाँ पर नो अदर राइटर इन इंडिया इंडिया के राइटर की बात करें वहाँ पे शेक्सपियर इंक्लूड हो ही नहीं रहा तो अंदर लगाने की जरूरत नहीं है सो नो राइटर इन इंडिया इज़ एज़ फेमस एज शेक्सपियर और जो अदर है हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ नहीं करते जैसे राहुल टॉलेस्ट ऑफ ऑल इज ब्रदर टॉलेस्ट की बात करें तो ऑल हिज अदर ब्रदर्स नहीं होगा ऑलरेडी उसको अलग बता रहे हैं तो राहुल इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर अदर लगाने के सुपरलेटिव में अदर नहीं यूज़ करते हैं हम सिर्फ यूज़ करते हैं दैट इज़ पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री में अदर यूज़ करते हैं बाकी जगह यूज़ नहीं करते हैं एंड एनी के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है एंड ऑल के बाद आता है प्लूडर एनी के बाद सिंगुलर एंड ऑल के बाद प्लूटर जैसे ऑल हिज ब्रदर लिखी है ऑल हिज ब्रदर्स ऑल के बाद क्या आता है प्लूलर और एनी के बाद आता है सिंगुलर क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड से बात किया था पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो अब इसे कंपेयर किया है देन दैट ऑफ दैट ऑफ मतलब द पॉपुलेशन तो वार रिपीट नहीं करते दैट ऑफ मतलब द पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर टाउन एनी अदर टाउन में टोक्यो भी आ जाता है तो टोक्यो भी कंपेयर कर करें तो यहाँ पे अदर आना चाहिए तो इसमें नो no एर और यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज़ किया सेकेंड डिग्री तो यहाँ पे अदर लगेगा इसमें मैं नो ट्रेडर इन दिस टाउन इज एज ऑनेस्ट एज सिंसियर एज श्री हरि प्रसाद अब ट्रेडर्स में श्री हरि प्रसाद भी आ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा नो अदर अदर के बाद सिंगुलर नाना होता है नो अदर ट्रेडर होगा सो नो अदर ट्रेडर अदर के बाद क्या है सिंगुलर नो अदर ट्रेडर इन दिस टाउन इज एज ऑनेस्ट एस एज एन एस के बीच में कहना चाहिए पॉजिटिव डिग्री कह कहना चाहिए पॉजिटिव डिग्री लगे ऑनेस्ट एंड सिंसियर सही यूज़ हुआ है एस एंड एस के बीच में और यहाँ पे अदर ट्रेटर नो अदर ट्रेटर टाउन इज एज ऑनेस्ट एज श्री हरि प्रसाद पता है अदर यूज़ होता है पॉजिटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री में सुपरलेटिव so, डिग्री में यूज़ नहीं होता है सो ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी दैट नो प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर सोसाइटी इज ऑल एज ग्रेव एंड इंट्रेसेबल एज दिस प्रॉब्लम इज़ तो यहाँ पे एज एंड एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज है एज ग्रेव एंड इंट्रेसेबल तो ये सही है अब दिस प्रॉब्लम के साथ कंपेयर किया नो अदर प्रॉब्लम होना चाहिए तो जिस प्रॉब्लम में नो प्रॉब्लम में ये वाली प्रॉब्लम भी इंक्लूड हो जाती है नो अदर प्रॉब्लम फेस बाई सोसाइटी इज एज ग्रेवल एंड इम्प्रेसिबल एज दिस प्रॉब्लम इज़ सो यहाँ पर लिखा है देर इज़ नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट दैट ह्यूमेंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द अदर स्पीसीज तो लिखा है देर इज़ नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट दैट ह्यूमेंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट अब मोस्ट लिखा है मोस्ट मतलब कम सुपरलेटिव डिग्री तो अदर लगेगा नहीं मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्पीसीज अब ऑल लगा है मतलब ऑल के बाद प्लूरल आता है एनी के बाद क्या आता है सिंगुलर तो प्लूरल आएगा ऑफ ऑल स्पीसीज 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 ही रहता है सो नो मैथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मैथड अब मैथ से कंपेयर कर रहा हूँ so, ये और ये मैथड की बात करें तो ये भी इंक्लूड हो जा रहा है सो यहाँ पे होगा नो अदर मैथड ऑफ मेकिंग पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज इफेक्टिव मतलब एज एन एज एंड यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है पॉजिटिव डिग्री तो इट्स ओके okay. तो यहाँ पे सही है यार इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द लेपर्ड इज़ फास्टर देन ऑल एनिमल्स सो यहाँ पे लेपर्ड भी आ जाता है सारे एनिमल्स में ऑल अदर एनिमल्स होगा एंड फास्टर मतलब कंपेरेटिव डिग्री यूज़ हुई है तो सुपर लेफ्टिव डिग्री तो है नहीं सुपर लिफ्टिव डिग्री में अदर यूज़ नहीं होता यहाँ पे अदर यूज़ होगा सो द लेपर इज़ फास्टर दैन ऑल अदर एनिमल्स ऑफ अदर ऑल माई नेबर्स ही इज़ द कांडेस्ट एंड द मोस्ट कंसिडरेट अब अदर लगे नहीं बिकॉज काइंडेस्ट आ गया मतलब सुपर लिटिव डिग्री आ गया थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर नहीं लगाते सो ऑफ ऑल अदर माई नेबर ऑल अदर माई नेबर ही इज़ अ काइंडेस्ट एंड अदर नहीं लगेगा ऑफ ऑल माई नेबर्स ही इज़ अ काइंडेस्ट एंड द मोस्ट कंसिडरेट